हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं राजेश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके और हमारे YouTube चैनल आरके बेसिक स्टडी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप हानिया वॉइस की तरह वीडियो कैसे बनाएं। एक दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको एक ईजी वे में, सिंपल मेथड में समझाऊँगा ताकि आपको दोबारा कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप मेरी भी दो तीन वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वो भी लिंक आपको एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है? और दोस्तों, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने क्रोम ब्राउज़र को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? तो ये लीजिए, क्लिक हो चुका है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई भी स्टोरीज, ठीक है, जैसे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, अधूरे प्यार की स्टोरी, ठीक है? अब दोस्तों, इसको मैं आपको यही मैं स्टोरी एडिट करके दिखाने वाला हूँ बिना किसी से लंबे प्रोसेसिंग के, ठीक है? ये लीजिए दोस्तों, पहले मैं इसे यहाँ यहीं से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? आपको दोस्तों, इस सबसे बड़ी फैक्ट बात यह है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा समझ आएगा और आप एक बार में ही इस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप इस सभी को एक बार में क्लिक कर लेते हैं तो ये आपके काइन मास्टर में ओपन नहीं होता, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और आपको दोस्तों एक ग्राफिक क्लिक करना है। आपको एक दो बार करने पता लग जाएगा कि आपको कितना करना। मोस्टली 6 लाइन आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं दोस्तों आ जाता हूँ अपने काइन मास्टर में। तो चलिए दोस्तों, अब हम साइज़ दे देते हैं 9x60, ठीक है? ये लीजिए दोस्तों, एक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूँ एक बैकग्राउंड, ओके? दोस्तों ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको हर एक चीज़ मैं क्लियरली समझाऊंगा और ज़्यादा लंबा नहीं, ब्रीफली समझाने वाला हूँ, आप इसमें ही हर चीज़ को कर पाओगे, ठीक है? ये लीजिए दोस्तों, चलिए, ठीक है? तो अब हम जाते हैं लेयर पर। लेयर पर दोस्तों, आपने कोई भी, ठीक है, एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लगानी है, ठीक है? चलिए मैं लगा लेता हूँ और इसको दोस्तों मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है? ये लीजिए, मैं इसको जूम आउट कर लिया है। अब दोस्तों, ये हो चुका है। अब इसके बाद हम स्क्रीन को एंड टाइम तक कर लेते हैं, ठीक है? ये लीजिए, मैं इसको भी अभी कर लेता हूँ। चलिए अब दोस्तों, इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव करने के लिए, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है? ये देखो दोस्तों, यहाँ से आप इसे कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ब्लेंड कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये देखिए, आप यहाँ से भी इसको, ठीक है, ये इफेक्ट दे सकते हैं आप, ये देखिए कलर में, ठीक है? ये लीजिए, मैं इसको यहाँ ब्लेंड कर लेता हूँ। चलिए, ये हो चुका है, ठीक है? अब दोस्तों, अपन को आना है लेयर एंड टेक्स्ट, ठीक है? टेक्स्ट में ये लीजिए, आप उस पैराग्राफ को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपन को स्पेस कम करना है, ठीक है? मैंने स्पेस कम कर दिया है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको मैं इसका स्पेस कम कर देता हूँ। आपको ये अपने जो पैराग्राफ के सभी जो स्पेस हैं उसको रिमूव कर देना है, ठीक है दोस्तों? मैंने इसको ये सेट कर लिया है। अब देखिए, ये लिए दोस्तों, क्या? अब दोस्तों, हम इसका करते हैं कलर चेंज, ठीक है? ये लीजिए, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, रॉबर्ट ब्लैक, ठीक है? आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब दोस्तों, इसका जो है शेडो खत्म कर देते हैं, ओके? ये लीजिए, अब दोस्तों, इसके अंदर एक आपको लॉजिक बताने जा रहा हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब में किसी और की, तो उसमें कमेंट आए थे, बट वो यूट्यूबर उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सका। मैं आपको उसमें छोटे छोटे फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ गौर से वीडियो को देखिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, अब इसको अपने को स्क्रीन को चलाना है, ठीक है? चलिए चला लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस स्क्रीन को छोटा कर लीजिए, ठीक है? कर लिया है, ठीक है? अब दोस्तों, यहाँ पर इसी यहाँ पे फर्स्ट में लेके आना, यहाँ पे आप चाबी का बटन दिख रहा होगा ना, की का, ये लीजिए, मैं क्लिक कर लेता हूँ।
अब दोस्तों इसके बाद आपको ये जो पैराग्राफ है ठीक है, इसको हाथ से ठीक है मूव कर दिया आपने। अब दोस्तों इसके बाद इसको अपन को एंड तक ले आना है ठीक है ना। एंड स्क्रीन तक लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों प्लस का बटन है ठीक है, ये क्लिक हो गया। अब दोस्तों अभी ये आपकी स्क्रीन से गायब हो चुका है ठीक है, इसको दोबारा क्लिक कीजिएगा एंड थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा डिलीट के नीचे ठीक है, सेंटर वर्टिकली ओके। तो मैं कर देता हूँ इसे, ये लीजिए। अब दोस्तों मैं इसे प्ले करता हूँ, देखिए ठीक है ये प्ले होने लगा। अब दोस्तों अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट जो पैराग्राफ होता है वो इससे अलग चलता है या एकदम से पॉपअप की तरह शो होता है, तो वो कैसे होता है और वो इस हिसाब से हम कैसे एडिट करें कि आपको पूरी स्टोरी जो है एक वन क्वी में ही चलती दिखाई दे ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये सॉल्यूशन बता देता हूँ। हम आते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, ये लीजिए मैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ भी कॉपी कर लेता हूँ ठीक है, कॉपी लेयर ठीक है ये पेस्ट। अब दोस्तों मैं इसको फटाफट से आपको ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है ये लीजिए दोस्तों मैं इसको यहाँ भी एक फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ठीक है। अब दोस्तों दोबारा इसका कलर फॉन्ट ठीक है शेडो ऑफ ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जूम इन, तो ये आपका फॉन्ट जो है सेम हो जाता है ठीक है। आप देखिए दोस्तों अब हमें इसको फिर रनिंग पोजीशन में करना है ठीक है। तो दोस्तों आप इसको क्लिक कीजिएगा, ये लीजिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये शुरुआत में क्लिक कर लिए ठीक है। अब दोस्तों की ओके करना है, की सिलेक्ट करने के बाद आपका पहला जो काम रहेगा वो रहेगा बिल्कुल सेंटर में हाथ रखकर, ये लीजिए एंड स्क्रीन ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम पर यहाँ पे ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस बटन ओके हो चुका है, ये लीजिए मैंने कर दिया है एंड देन फिर की लॉक ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम इसे प्ले कर लेते हैं दोबारा। अब देखिए दोस्तों ठीक है ये एक ही पैराग्राफ है जो चल रहा है, इसको लेंथ करने पर इसकी स्पीड कम हो जाती है, कम छोटा करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए मैं इसको फिर वर्टिकली कर लेता हूँ ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए अब जो लॉजिक है जो मैं बताने जा रहा था आपको और बताने वाला था, तो अब आप गौर से देखिए आप इसको यहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, आप कुछ भी करें ठीक है। अगर आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बटन दबाते हैं तब आप कुछ भी कर सकते हैं, बट इसमें आपको यहाँ एक ये देखिए हटा सकते हैं ना, अब देखिए लॉक लग चुका है ओके। ये लॉक का भी अपना ही रीज़न है, ये इफेक्ट डालता है आपकी वीडियो पर, ये भी आप जब खुद करोगे तो आपको पता लगेगा, अदरवाइज आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन एक वीडियो बनाकर दे दूंगा ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको माइनस कर देता हूँ ठीक है, मैंने लॉक हटा दिया है। दोस्तों शुरुआत में आने पर आपको लॉक स्क्रीन नहीं लगाना पड़ेगा, आप इसको नीचे आ जाइए ठीक है, ये लीजिए ठीक। अब थोड़ा सा आगे पोज कीजिएगा ठीक है, ये लीजिए तो थोड़ा सा यहाँ से आप बैक लेकर आइए, अब देखिए यहाँ जा रहा है ठीक है ना, ये लीजिए दोस्तों। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ ठीक है ओके। चलिए अब दोस्तों और देखिए अभी यहाँ तक आ चुका है ठीक है, बट हमारा निचला पैराग्राफ अभी बहुत दूर है ठीक है, यहाँ इसको नीचे ठीक है, ये लीजिए इसको दबा के थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा और इसको आगे ले आइए यहाँ तक ठीक।
अब देखिए ज़्यादा ऊपर चला गया ना ये, चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो दोस्तों ये हो गया है अपना एडजस्ट। चलिए आप देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को थोड़ा सा और बड़ा इसको कर देते हैं लेंथ, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा और आप नीचे मूव कीजिए, ठीक है। ये लीजिए, अब देखिए दोस्तों ये ऊपर चलने के बाद ये इसके ऊपर चढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर नहीं आना चाहिए इसे, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आपको वीडियो मैंने प्ले करके दिखा दिया है। अब देखिए आप बिल्कुल भी दोस्तों जज नहीं कर पाएंगे कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ कहाँ से बंद हुआ था और नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों आप वन बाय वन जो जितने मर्जी पैराग्राफ इसमें अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों एक आपको और बात कहता हूँ मैं, जितना बड़ा आपका पैराग्राफ होगा उतनी ही बड़ी आपकी एक पर ब्लॉक की लंबाई होगी, ठीक है। ये देखिए ये एक ब्लॉक जो है कितना लंबाई में है, ठीक है, निचला उससे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक छोटा ब्लॉक लेना है ताकि आपको वो लंबाई जो है उसको आप कम कर सको। वीडियो में आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मैंने खुद क्रिएट किया था, आपके चैनल का जो लोगो है और आपकी फ़ोटो, ठीक है, वो भी आप सब्सक्राइब बटन में लगा सकते हैं, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं तो मैं आपको वो भी आने वाली वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं इसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप कर लेता हूँ, ओके। अब क्रोमा की देन क्लिक, ये देखिए दोस्तों मैं प्ले करता हूँ। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल लोगो, मेरे चैनल का नाम और सब्सक्राइब बटन, ये तीनों एक चीज़ में एक में ही इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस बटन को भी आप ये लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, ये लीजिए। एंड देन दोस्तों यहाँ पर आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, आप कुछ भी जो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लीजिए मैं एक बार थोड़ा प्ले कर देता हूँ इसको, ठीक है। ओके, एक दोस्तों शुरुआत में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होता है टाइटल, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसको थोड़ा आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा लिखना है इसको, ठीक है। फॉन्ट आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं ताकि वो अलग से दिखे। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ डन, एंड देन बैकग्राउंड, ठीक है, इसका बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड को आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से ये देखिए फुल बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी और उसमें कुछ लॉजिक बताए हैं मैंने आपको, प्लीज़ उनको अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप 3 मिनट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट को एक बार वॉच कर लीजिएगा जिसके अंदर आपको बहुत कुछ अलग से देखने को मिलेगा, ठीक है।